राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर कई निर्देश दिए हैं। बीते शनिवार को आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने की है। इस बैठक में आयुक्त ने सभी जिलों को आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों को एक सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया है। वहीं ये बैठक करीबन 2.5 घंटे तक चली। आधिकारिक सूत्रों की माने तो आयोग ने बैठक में विभिन्न राज्यों से जिलों में लाए गए ईवीएम में बार कोड चिपकाने और उसे स्कैन कर स्टॉक एंट्री कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को 3 दिनों के अंदर पूरा कराने को भी कहा गया है। साथ ही अलग अलग राज्यों से लाई गई ईवीएम को अलग अलग रखने, उन ईवीएम पर संबंधित राज्य के नाम का स्टिकर चिपकाने का निर्देश दिया गया ताकि पंचायत चुनाव के बाद उसे लौटाने में सुविधा हो सके। तो वहीं अगर कोई ईवीएम खराब है तो उस पर खराब होने का स्टिकर चिपकाने को कहा गया। सूत्रों की माने तो कुछ जिलों में एक ही नंबर का ईवीएम एंट्री किया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि उसे संबंधित जिले के साथ बातचीत कर 3 अगस्त तक आपस में सही कर ले। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर पालिका के फलस्वरूप हुए परिवर्तन को पंचायत निर्वाचन नियमावली की सुसंगत नियमों के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार मतदाता सूची और मतदान केंद्रों में भी संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में आदर्श मतदान केंद्रों के गठन को लेकर स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिया गया है। आपको बता दें कि तमाम जिलों में ये कहा गया है कि जिला स्तर पर मतगणना केंद्र बनाए जाने की संभावना पर विचार की जाए। आयोग का मानना है कि प्रखंड स्तर पर मतगणना में खर्च ज्यादा होता है और स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप की संभावना कम से कम होती है। अगर ऐसा संभव हो तो उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।